हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। यार गाइस, ये जगह देखो भाई साहब, ये जगह आप लोगों को देखी देखी तो लग रही होगी। हाँ गाइस, ये जगह जो है सेम टू सेम अपने GTA 5 में भी है। मतलब क्या गाइस, हाँ ये जगह सेम टू सेम GTA 5 में है, जहाँ पर गाइस आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं पर्पल गैंग नाम है, पता नहीं ग्रीन गैंग नाम है, जो क्या गाइस बंदों समेत यहाँ पर खड़ी रहती है। और हाँ यार गाइस, जब मैंने यार इस जगह को नोट किया पहले तो यार गाइस एक दो बारी मैंने यहाँ पर मिशंस वगैरह भी किए हैं, लेकिन यार गाइस जब मैंने आज देखा कि भाई साहब ये जगह इतनी सेम, मतलब क्या गाइस, या तो फिर GTA 5 ने रोपिरो वाइस्टोन की कॉपी की है, या तो फिर रोपिरो वाइस्टोन ने GTA 5 की कॉपी की है। सेम टू सेम, फुल टू धमाकेदार यार गाइस, एक जैसी जगह। अगर यार गाइस आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग GTA 5 में फ्रैंकलिन के इलाके में जाके देख लो यार। भाई साहब मैंने तो अभी भी जाके देखा, अरे मैं तो यार हैरान हो गया। मैंने बोला भाई साहब ये तो सेम टू सेम सीन है। तो यार गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पर ना लोग वोग नहीं रहते हैं। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था ना जिम करके, तो मैंने ये जगह देखी। वैसे यार गाइस मैंने इधर एक मिशन भी किया है, लेकिन फिर भी यार गाइस मैंने इस जगह को नोट नहीं किया। यार मैं पागल हूँ क्या, ऐसी जगह भी मैं नोट नहीं करता हूँ। चलो खैर छोड़ो, आज हम लोग आते हैं अपनी इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो यार गाइस आज अपनी इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार है। पूछो कैसे, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर यार गाइस आप लोगों ने अभी तक इस छोटे से अपने भाई के चैनल क्लासिक गेमर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार गाइस ऐसा मत करो, अपने भाई का दिल मत दुखाओ, जल्दी से जाके यार गाइस आप लोग ना सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो यार गाइस यहाँ पर ना आप लोग देख पा रहे हो कि अभी जब मैं आप लोग को बता रहा था कुछ चीज़ों के बारे में जो कि यार गाइस शॉप में न्यू आई हैं, तो यार गाइस उनको अनलॉक करने के लिए ना अपने को यार इतना मतलब कि आसान तरीका नहीं है। उनको अनलॉक करने के लिए अपने को कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो हम लोग बेल लेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या है आप लोग भी यही सोच रहे होगे ना। तो चलो यार गाइस चलते हैं प्रोसेस की तरफ। हम लोग अपनी कार को लगाते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है, और उसके बाद यार गाइस हम लोग चलते हैं इधर। आप लोग पॉज और प्ले का ऑप्शन देख रहे हो ऊपर कॉर्नर पे, इसको क्लिक कर लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा परचेज अ प्रीमियम, इसको क्लिक करेंगे तो यार गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो डॉन मोरेटी इज द हॉटेस्ट प्लेयर इन टाउन। यहाँ पर यार गाइस अब आगे करेंगे प्लेग्यू डॉक्टर पैक। तो यार गाइस ये देखो प्लेग्यू डॉक्टर पैक, डोंट लेट द डार्कनेस कम टू द सिटी बिकम द क्योर। तो यार गाइस यहाँ पर आप लोगों ने देखा इसे, अब यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड पर शो का ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों को, इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इधर जो है प्लेग्यू क्या क्या दे रहा है अपने को। प्लेग्यू का डॉक्टर कर्स, मतलब कि यार गाइस इसका पूरा का पूरा ड्रेस, और यार गाइस जैसे रोप फेंकता है ना, तो इसकी वैसी है गियर हुक, ये फेंकता है, और इसकी स्पेशल गन जो है वो है यहाँ पर डेथ्स किस। तो यार गाइस ये पूरा का पूरा सेटअप जो है पैक पूरा अपने को प्लेग्यू डॉक्टर का मिलेगा 1550 रुपये का। अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो ये ले सकता है पैसों में, लेकिन यार भाई साहब मैं लगा पड़ा हूँ कि ये चीज़ें मैं फ्री में अनलॉक कर लूँ, वो मैं कर भी लूँगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ट्रेलर दिखा रहा हूँ, तो ये देखो अब हैवी मेटल पैक गेट रेडी टू रॉक। अब इसको शो पे क्लिक करते हैं तो यार गाइस ये अपने को दे रहा है मेटल हेड मैथ कस्टम। तो यार गाइस इसमें जो इसकी पूरी की पूरी ड्रेस है, उसके बाद यार गाइस इसका है चेन रिएक्शन, मतलब कि चेन फेंकता है फौड़े वाली, और उसके बाद है स्पीड डेमन, मतलब के कैसे बताऊं तेज शैतान इसकी बाइक का नाम है, और इसका पूरा का पूरा पैक मिलेगा अपने को 3100 रुपये में। ये वाला काफ़ी ज़्यादा महंगा है यार गाइस। हाँ तो अभी यहाँ पर लास्ट वाला दिखा लेता हूँ मैं आप लोगों को, हीटिंग थिंग्स अप आर्टिका मेल्ट द आइस क्रिस्टलिन इज नाउ अवेलेबल। तो यार गाइस इसको क्लिक करेंगे तो उसके ये मिशंस आ जाते हैं मेल्ट द आइस वाले, ठीक है। तो यार गाइस यहाँ पर जो है लव स्टोरी फलाना ढिमकाना, ये यार मैं बार बार कर चुका हूँ, और अब जो है यार यहाँ पर डेट विद आर्टिका, डेट विद आर्टिका, डेट विद आर्टिका, और यहाँ पर जो है सुपर हीरो डेट विद आर्टिका। इधर यार गाइस बहुत ज़्यादा मिशंस हैं अलग अलग तरह के, जो कि अपने को आगे जाके करने हैं, ठीक है। और बाकी ये मिशंस रह गए हैं मिशन चैलेंज, पिस्टल एक्सप्लोजन चैलेंज, फलाना ढिमकाना, ये भी यार गाइस हम लोग आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी दिन कर लेंगे। अब यार गाइस इन चीज़ों को अनलॉक कैसे किया जाए बगैर किसी दिक्कत के, ये हम लोग देख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया अपनी कार को, यहाँ पर उतरने का ऑप्शन किधर है ब्रो? ओके यार गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम तो फंस गए भाई साहब। यहाँ पर ना यार गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि अपना जो कार का ऑप्शन था वो हट चुका है यार। ये ग्लिच जो है ना बार बार होता रहता है।
अब मैं क्या करूं? अरे 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 भाई साहब, अब इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूछो क्या। चलो ठीक है, ये ट्रिक भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो आप लोग ये करना, आप लोगों को कोई बड़ी चीज़ यार ले लेनी है, ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर। उसके बाद आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ पे ओके हो जाओगे, ठीक है। और अभी वापस चल के शॉप में आप लोग रो पी रो बन जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों के लिए। समझ गए ना यार गाइज? आप लोग देखो, अभी हम लोग रो पी रो बन भी गए ना, तो अभी अपनी जो रोडस्टर है वो यहाँ पर अंदर किधर है। लेकिन अभी खैर छोड़ो, अपने किस काम की थी, हम लोग दूसरी कार ले लेंगे। हमारे पास क्या पैसा कम है? नहीं भाई साहब, पैसा काफ़ी ज़्यादा रो पीरो के पास, मोटा पैसा है रो पीरो के पास। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे ही हम लोग निकले तो यहाँ पर किसी के ऑफिस के बाहर या बैंगलो के बाहर एक कार खड़ी है। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर ना इसी कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो 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 जल्दी से चलते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग वाइट कार में बैठ के यहाँ से निकल गए, कन्वर्टेबल कार है। तो अभी चलो शॉप में, ताकि यार गाइज पूरा का पूरा सही ठीक ठाक प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, जैसे हम लोग शॉप में आते हैं तो यहाँ पर SMGs में अगर आप लोग देखो कोई न्यू चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इधर एक गन है, किल किल गिरगरी बॉस टू अनलॉक हिज वेपन। तो यार गाइज ये जो वेपन है ना, ये गिरगरी बॉस का है। लेकिन यार गाइज जब मैंने उसको मारा था ना, तो मैंने इस वेपन को अनलॉक ही नहीं किया गलती से। उसके बाद यार गाइज एक ये न्यू वेपन है। और अभी यहाँ पर बड़ी चीज़ों में आ जाओ तो इधर ये देखो, किल डॉटर येन टू अनलॉक दिस वेपन। यार गाइज ये एक टेम्पल नहीं है जो डॉटर येन है, हम लोगों को ना यार गाइज यार उसको मारना पड़ेगा, उसकी ये गन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इधर आ जाते हैं तो इधर यार गाइज ये देखो, इधर एक न्यू वेपन था जो कि यार गाइज मैंने देखा था, इसका नाम है पनिशर। और ये ना यार गाइज धमाके फेंकती है बॉम्ब वाले, तो ये तो मैंने ले ली, ठीक है। इसकी बुलेट्स भी हम लोग ले लेते हैं, इसकी यार गाइज 200 बुलेट्स ले ली है मैंने, और अब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक न्यू गन ये है, हर सेक्शन में एक एक न्यू गन आई हुई है। और ये देखो गाइज यहाँ पर है ये न्यू गन, प्लेग्यू डॉक्टर पैक। तो यार गाइज ये अगर अपने को मिल जाए ना तो फिर तो बात बन जाए। लेकिन यार गाइज अब क्या करें यार, इस गन के लेने के लिए मेरे पास असली पैसे नहीं है, अगर होते ना यार गाइज तो मैं ले लेता। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है और क्या है। यहाँ पर ये देखो गाइज, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक तो ये पिकैक्स है, एक ये पिकैक्स है, एक ये और एक ये। ये तो यार गाइज नॉर्मल है, रोप वाली, जो कि रोपियों के पास होती भी है, ठीक है। इसको मैंने इक्विप कर लिया वापस से। और यार गाइज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाऊं तो इधर हेलमेट्स में है कुछ। हाँ ये देखो, अनलॉक एक्सक्लूसिव आइटम बाय द लकी लूट। तो यार गाइज लकी लूट से ही ना आपने को ये मिल सकता है, चलो वो भी देख लेंगे। अब यार गाइज यहाँ पर सूट्स देखो आप लोग, कितने नए नए सूट्स हैं। ये धमाकेदार सूट, ये धमाकेदार सूट, और उसके बाद ये तो पुराना है, ये धमाकेदार सूट, ये धमाकेदार सूट, ये धमाकेदार सूट, और ये भी धमाकेदार सूट। और ये तो देखो गाइज, ये तो उससे ज़्यादा धमाकेदार सूट है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी लकी लूट से निकलेगा। बाकी ये तो आप लोग को मैंने दिखाई दिया था कि इसके लिए माल खर्च करना पड़ेगा अपने को, और ये वाला जो है इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा अपने को। और यार गाइज यहाँ पर इधर दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो ये देखो ये बाइक तो यार गाइज आप लोगों ने देखी होगी ना, हर्ली, मतलब कि यार गाइज ये शैतानी बाइक है, डेमन बाइक, जो कि शैतान के साथ ही अपने को मिलेगी। बाकी यार गाइज ट्रांसफॉर्मर्स में कुछ नहीं आया है। और इधर बेचारी एक कोका कोला गन ही है, ठीक है। इसके अलावा यार गाइज यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो यार गाइज देखा ना आप लोगों ने शॉप में कितना कुछ आ गया है, और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। एक मिनट एक मिनट, ये जो यिन डॉटर है, अगर हम लोग इसको मारें तो उसकी गन अपने को मिल जाएगी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, चलते हैं और इस यिन की बच्ची को मारते हैं अपनी न्यू गन, धमाके वाली गन से, जो कि यार गाइज मैंने ली भी है। तो साली ये यिन डॉटर है किधर, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। कहाँ रहे तू, कहाँ रहे तू, यहीं पे है ना। चलो ठीक है यार गाइस, मैंने इधर मार्क लगा लिया है। अब चलो हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं इस यिन की बच्ची के पास, और यार गाइस इसकी गन अनलॉक कर लेते हैं हम लोग। अरे पुलिस लग गई के, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पुलिस से द्वारा अब हम लोग क्षमा मांग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यार गाइस इस बारी गलती अपनी थी, हम लोगों ने गलती कर दी थी पुलिस की कार में ठोकर लगा के। लेकिन कोई बात नहीं, ये पुलिस तो हट जाएगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार गाइस आप लोग ये वेपन देखकर तो पागल हो गए होगे, है ना, ठीक बोल रहा हूँ ना यार गाइस मैं। अरे पुलिस वाला इतनी स्पीड में था कि आगे टर्न मार लिया। अरे लेकिन ये क्या है यार, ये मैप मुझे कहाँ लेके जा रहा है? हमेशा ही ऐसा होता है, रास्ता अगर हमेशा सीधा हो ना तो ये मैप तो साला पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जाएगा आप लोगों को, और पता भी नहीं चलता। अरे यार गाइस चलो अभी ठीक है, यहाँ से जो हमें अब ऊपर पहाड़ी से जाना पड़ेगा।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले आएंगे यहाँ से, पहले हम लोग निकल तो लें। और यार गाइस ये देखो यार, आज तो बात करते करते ही रात हो गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ना आप अपने को ये ख़राब रास्ते से जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि गाइस इस रास्ते का ना किसी को नहीं पता है कि इस ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा महल बना हुआ है यिन की बेटी का। गाइस यहाँ पर पहले बादशाह रिंग यिन रहता था, लेकिन यार गाइस उसकी बेटी जो है काला जादू करने लग गई थी और अपने बाप को ही मार डाला उसने यार। गाइस हाँ, अभी नीचे यार गाइस आप लोग पुलिस वालों के मार्क देख रहे हो, इन सालों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि मैं किधर हूँ। हाँ तो यार गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो यिन की बेटी है, मैं इसके महल में आ चुका हूँ और अपनी धमाकेदार गन भी ले ली है मैंने। लेकिन यार गाइस यहाँ पर पहले मैं जेट पैक भी ले लूँ ना तो वो भी ठीक रहेगा भाई साहब। चलो ठीक है यार गाइस, यहाँ पर जो है मैं इधर आ चुका हूँ यिन की बेटी के इलाके में, और यहाँ का जो मेन डोर है, एक मिनट मैं आप लोगों को यार गाइस वो दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो यार गाइस, यहाँ पे आप लोग इधर जो है यिन के सोल्जर आ गए हैं और ये खुद साली जो है वो उधर बैठी है, तपस्या कर रही है लगता है। हाँ गाइस आखिरकार करती तो काला जादू है ना साली, तो कैसे नहीं करेगी। हाँ तो यार गाइस इसके पास है वो गन, चलो ठीक है देख लेते कौन सी गन है साली के पास। ओके अरे ये क्या, ये तो मैं ही लुढ़क गया भाई साहब। चलो ठीक है उठ जाते उठ जा, चल रोपी उठ जा उठ जा उठ जा, चल रोपी रो। अरे क्या कर रहा है रोपी रो, तेरे को क्या हो गया, तू बेचारा परेशान क्यों हो गया यार। ओके तो यार गाइस ये महल अगर आप लोग देख पा रहे हो ना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये महल कितने ज़्यादा साल पुराना है ना। तो अब यार गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अरे ये क्या हो रहा है यार, मतलब कि ये तो दिक्कत हो रही है, लगता है साली को आरपीजी मिसाइल से मारना पड़ेगा। आरपीजी मिसाइल ये काम कर सकती है, बाकी तो अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है इधर हम लोग आरपीजी मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं। ओके ये लेकिन ये इनकी बेटी मर क्यों नहीं रही है यार, इसके पास क्या कोई सुरक्षा कवच है। हाँ लगता तो यही है। चलो ठीक है पहले इसके सिपाहियों को मारते हैं हम लोग और उसके बाद बाकी गेम भी देख लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है यार गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इधर जो है इसके जो सिपाही हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूँ कि इसके सुरक्षा कवच के अंदर जाने की कोशिश करूँ। ओके तो यार गाइस यहाँ पे ना आप लोग देख पा रहे हो, अरे अरे ये क्या हुआ, अरे साली के पास कौन से पत्थर हैं और इसकी भैंस की आँख। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो ना तो मैं इधर इनकी बेटी को मार रहा हूँ। ओके 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 ये इसको मारा एक आरपीजी का गोला भी मैंने, रुक जाओ। ओके तो यार गाइस यहाँ पे ना ये तो दिक्कत हो गई रे, अरे अरे चलो जल्दी से शॉप में चलो यार गाइस, आर्मर हेल्थ मेरी ये साले ख़त्म कर रहे हैं। चलो ठीक है इनसे लड़ने के लिए तो अपने को काफ़ी ज़्यादा आर्मर हेल्थ चाहिए। चलो ठीक है ठीक है, अभी जो है ना मैं अपनी तलवार से लड़ूंगा इनसे। ओके 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 गाइस यहाँ पर ना इसके पास काला जादू शाखा बूम भी है, क्योंकि यार गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो ना अभी इसके साथ काला सिंह भी था, उसको भी मैंने मार दिया। लेकिन यार गाइस यिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास एक धमाकेदार फटाकेदार गन भी है। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आखिरकार इसको मारना है तो ऐसे ही मारना पड़ेगा। लेकिन या तो फिर यार गाइस मेरे पास देसी कट्टा भी है, देसी कट्टे से मार खा लेगी ये। ओके हाँ इससे यार गाइस थोड़ा सा स्पीड में मर रही है ये, चलो ठीक है इससे मारते हैं इसको, यही ठीक रहेगा इसके लिए। ओके ओके गाइस यहाँ पे ना आप लोग देख पा रहे हो, अरे ये क्या जादू कर रही है भाई साहब, ये क्या कर रही है। ओके ओके गाइस यहाँ पर ना मुझे स्क्रीन पर टैप करना है, वरना ये यिन जो है मुझे अपने जादू में फंसा डालेगी, अपनी दुनिया में ले जाएगी। अरे ओके 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 गाइस यहाँ पे ना आप लोग देख पा रहे हो मैं यहाँ से बाहर निकल आया हूँ, वरना यार गाइस साली कोई जादू कर रही थी। ओके मैं बच गया भाई साहब, बच गया इसके जादू से। चलो ठीक है फिर से शॉप में आ जाते हैं और यार गाइस जल्दी से यहाँ पर ना हम लोग अपना आर्मर हेल्थ फिर से बढ़ा लेते हैं। अरे इनको कैसे मारूं मैं आखिरकार, अरे भाई साहब मैं तो इनके महल में फंस गया। अरे यार गाइस ये तो काला जादू करती है और मेरे को पता भी नहीं था, अभी भी अपना काला जादू कर रही थी। ओके 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 गाइस यहाँ पे ना आप लोग देख पा रहे हो कि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा मार रहा हूँ लेकिन ये मर ही नहीं रही है, अरे ये फिर से काला जादू कर रही है। चलो ठीक है यार गाइस ये देखो आप लोग, अरे 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 भाई साहब जल्दी से हमें स्क्रीन पर टैप करना है, वरना यार गाइस ये मुझे अपने वश में कर लेगी। ओके 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 क्विकली टैप टू द स्क्रीन। अरे अरे भाई साहब यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि इधर जो है मैं फिर से निकल आया हूँ। अरे अरे जल्दी कर रहा यार, रो पीरो क्या कर रहा है तू, अरे इसको जल्दी मार वरना ये फिर से काला जादू करना स्टार्ट हो जाएगी और फिर तो हम लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे यार गाइस। अभी बस गई। तो यार गाइस यहाँ पर ना मैंने यिन की बेटी को मार दिया है और अब इसकी गन भी मेरे को मिल चुकी है। मैं तो यार गाइस इसकी गन की चक्कर में आया था, लेकिन आज मैंने इसकी सच्चाई देख ली कि भाई साहब इसमें कितनी ज़्यादा पावर है। तो यार गाइस आज की वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हो गई, जिसको पसंद आई है सबके सब लोग कमेंट करो, सबके सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो यार गाइस यहाँ पर ना ये गन देख रहे हो आप लोग, मिल गई मेरे को और अब तो इस टेम्पल पर भी कोई नहीं है, तो क्यों ना यार गाइस इस टेम्पल को भी हम लोग अपने वश में कर लें, कैसा रहेगा।
हाँ क्योंकि यार गाइस इस टेंपल पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन यार गाइस यहाँ पे सब तहस नहस हो गया है। टेंपल है कितना बड़ा भाई साहब, ये तो देखो आप लोग। ओके वाओ, अब ये सब रो पीरो का, अब इधर राज चलेगा रो पीरो का, इधर मैं किसी को घुसने भी नहीं दूंगा। अरे ये कौन है, लेकिन ये कौन है? अरे भाई साहब ये भी है क्या कोई? चलो ठीक है, इसको तो मार देता हूँ पहले मैं। ओके ओके, तो यार गाइस यहाँ पर मैंने इसको मार दिया है, लोग यहाँ पर अभी भी हैं मतलब के, इनको मार लेते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेंपल हो गया अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।